हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे सभी दोस्तों, वेलकम इन लखराजो इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आप मेरे वीडियो देख पा रहे हैं, हम लोग जो है वोकैबुलरी के लिए दोस्तों एक सेशन चालू किया है। यानी दोस्तों मैं बता दूं, एसी हार्डविक जो कि बहुत ही बेहतरीन किताब है, हम सभी वोकैब्स को दोस्तों एक जो है सोल्यूशन देने का आपको है प्रयास किया है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, हम सभी वोकैब्स आज भी जो है पुनः एक कहानी के माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे। और आज जो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, मैं बता दूं तो एक्सरसाइज 7 के बारे में और वॉल्यूम जो कि कंटिन्यू चल रहा है, हम इस पर आज बात करेंगे। दोस्तों अब आप वोकैब्स को समझिए, साथ में कहानी को समझिए और एंजॉय करते रहिए। दोस्तों जो पहला वर्ड है मैं बता दूं, इलस्ट्रियस, ILLUSTRIOUS, इलस्ट्रियस जो कैटेगरी से एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है विख्यात। जो व्यक्ति विख्यात होते हैं उसे इलस्ट्रियस व्यक्ति बोल सकते हैं। इसका तात्पर्य हमें फेमस भी होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो वर्ड है उसको हम साथ मिलकर एडजस्ट करेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहला जो नेक्स्ट वर्ड है जियोलॉजी, GEOLOGY, जियोलॉजी का मतलब होता है भूविज्ञान, यानी द साइंस ऑफ अर्थ। दोस्तों जियो का अर्थ होता है, जियो का मतलब होता है दोस्तों अर्थ, और लॉजी का मतलब होता है दोस्तों स्टडी। तो इसका जियोलॉजी का तात्पर्य होता है दोस्तों कैटेगरी से नाउन, इसका मतलब होता है भूविज्ञान यानी कि द साइंस ऑफ अर्थ। और जो थर्ड वर्ड है थियोलॉजी, इसका मतलब होता है दोस्तों धर्म विज्ञान यानी साइंस ऑफ रिलीजन। ठीक है दोस्तों, अब समझते हैं। दोस्तों एक बहुत ही प्रख्यात महान व्यक्ति थे, यानी कि इलस्ट्रियस व्यक्ति थे, जिनके पास दो विषयों के काफी नॉलेज था, यानी जियोलॉजी यानी भूविज्ञान, वो द साइंस ऑफ अर्थ इसका बेहतर नॉलेज रखते थे, और साथ ही थियोलॉजी यानी धर्म और विज्ञान यानी साइंस ऑफ रिलीजन, धर्म के बारे में भी जानकारी रखते थे। अब आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है कंजेक्चर, CONJECTURE, कैटेगरी से नाउन है, इसका मतलब होता है अनुमान लगाना, गेस करना। नेचुरली प्राकृतिक रूप से अगर कोई इंसान जो है दोस्तों कंजेक्चर करता है, अनुमान लगाता है, यानी वो जो व्यक्ति फेमस थे वो धर्म विज्ञान से संबंधित और दोस्तों भू विज्ञान से संबंधित काफी अच्छा अनुमान लगा करके लोगों को, उनके बीच में बात को स्पष्ट रखते थे कि भू विज्ञान और धर्म विज्ञान का क्या महत्व है। अगला जो वर्ड है समझेंगे दोस्तों सिमिलर, SINGULAR, जो कैटेगरी से एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि असाधारण व्यक्ति। जो इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, जो कामों में भी बेहतरीन काम करे, उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहते हैं, यानी उसे सिंगुलर जो भी कैटेगरी से एडजेक्टिव है, यानी वो अपने कामों में काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, यानी कि सिंगुलर प्रवृत्ति के जो है वो इंसान थे। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, उनका जो अगला वर्ड है उसके साथ जोड़ेंगे, अगला वर्ड है दोस्तों सरप्लस, SURPLICE, सरप्लस कैटेगरी से नाउन है, इसका मतलब होता है खास पोशाक यानी कि अटायर। सरप्लस का मतलब होता है खास पोशाक, जो व्यक्ति खास, जैसे वो जो है काफी सफेद वस्त्र का जो है दोस्तों धारण करते थे, यानी कि उनको जो है उनकी पहचान जो है काफी पोशाक से मिलती थी। तो मैं बता दूं, उनका हमें हमेशा पहनावा जो था दोस्तों सरप्लस था, यानी खास पोशाक के अटायर के साथ रहता था, वो खास तरह का पोशाक पहनते थे। अगला वर्ड है दोस्तों सरप्लस, SURPLUS, कैटेगरी से नाउन है। दोस्तों दोनों का उच्चारण सरप्लस होता है, कैटेगरी से नाउन, ICE, और एक वर्ड में अंतर है, SURPLUS, सरप्लस ये है अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा, यानी अतिरिक्त नॉलेज रखना। जैसा मैं बताया कि वो काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, प्रख्यात से फेमस थे, जैसी बात है, एक फेमस इंसान ज्ञान में भी ज्यादा अतिरिक्त नॉलेज रखते हैं, तभी तो उनकी जो है एक बेहतरीन मनोदशा जो है, साथ में लोगों के बीच में उनका मान सम्मान बढ़ जाता है। इस तरह से दोस्तों मैं बता दूं, वो जो थे काफी एक्स्ट्रा नॉलेज रखते थे, यानी कि मैं बता दूं जियोलॉजी और थियोलॉजी के साथ साथ उसके अलावे भी कई अतिरिक्त नॉलेज उनके पास था जो लोगों के बीच में शेयर करते थे। अब बात को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, क्या है उनकी कार्य शैली को समझते हैं। अगला जो वर्ड है प्रशीर, PRECEDE, प्रशीर कैटेगरी से भर्ब है, इसका मतलब होता है दोस्तों पूर्व या बिफोर, यानी लोगों के बीच में बात रखने से पहले दोस्तों मैं बता दूं कि वो लोगों में लोगों को बताने के लिए कि क्या भू विज्ञान और दोस्तों धर्म विज्ञान का महत्व है, ये पहले ही अनुमान लगा लेते थे बिफोर
नॉलेज रखते थे कि क्या इसका महत्व है, तो प्रीसीड का मतलब होता है बिफोर यानी कि पूर्व, पहले। अगला जो बेटा दोस्तों समझेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव कैटेगरी से एडजेक्टिव है। कॉम्प्रिहेंसिव का स्पेलिंग होता है COMPREHENSIVE। कॉम्प्रिहेंसिव जो कैटेगरी से एडजेक्टिव है इसका मतलब होता है विस्तृत यानी वाइड ब्रॉड, यानी वो दोस्तों जब लोगों को बात शेयर करते थे बताते थे तो काफी एक वाइड नेचुरली एक विस्तृत जानकारियां देने का प्रयास करते थे। जो अगला वर्ड है इसको हम समझेंगे, इम्पार्ट IMPAAT कैटेगरी से भर्व है, इसका मतलब होता है कहना यानी कि टू से, ठीक है, यानी वो दोस्तों को टू से यानी कहते थे, इम्पार्ट करते थे, ज्ञान बांटते थे। आगे बढ़ते हैं, इन INGENUITE इंजीन्यूटी का मतलब होता है दोस्तों, कैटेगरी से नाउन है, इसका मतलब होता है दक्षता, स्किल, टैलेंट। अलग तरीका है दोस्तों, अगला एक वर्ड है एक्सपीडियंट, EXPEDIENT एक्सपीडियंट कैटेगरी से नाउन है, इसका मतलब होता है उचित तरीका यानी टैक्टिक, यानी उनके पास एक उचित तरीका होता था, एक्सपीडियंट होता था किसके विषय में बताने के लिए, ये दोनों साइंस के विषय में बताने के लिए, किसके साइंस के, तो अर्थ के और रिलीजन के ज्ञान के बारे में बताने के लिए दोस्तों उनके पास एक इंजीन्यूटी भी था यानी दक्षता थी, स्किल थी, टैलेंटेड थी, साथ में दोस्तों एक्सपीरियंट थे, उचित तरीका भी था, ठीक है दोस्तों। चलिए ये तो बात हो गया उनकी फैंट हिस्ट्री के बारे में, उनके फेमस के बारे में, वो क्या थे, क्या काम करते थे, किस तरह का ज्ञान बांटते थे। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों, आप जानते हैं और आप महसूस भी किए होंगे कि जो लोग फेमस होते हैं उनके लोग जो है ओपोनेंट में भी रहते हैं, विरोधी भी होते हैं, ताकि हम उनके किसी भी तरह जो है उनको जो है उनको कामों में जो दोस्तों लोगों के बीच में उनका जो है एक पर्सनालिटी जो बनाया खराब कर सकूं, अपमान कर सकूं। चलिए अब कुछ वर्ड इसी तरह समझ लेते हैं। वर्ड है दोस्तों डिग्रेड, GDEGRADE कैटेगरी से भर्व, इसका मतलब होता है अपमान करना। अगला वर्ड है डेफर, DEFER कैटेगरी से भर्व, इसका मतलब होता है स्थगित करना। यानी कुछ लोग सोचे क्यों ना हम इनको, इन जो ये काम करते हैं इनको अपमान किया जाए, डिग्रेड किया जाए, और इनके कामों को जो वो काम करते हैं यानी लोगों के बीच में ज्ञान शेयर कर रहे हैं, किसके विषय में दोस्तों दोबारा रिपीट करना चाहेंगे, धर्म विज्ञान और भू विज्ञान, यानी स्थगित कर सके, यानी मैं इन्हें लज्जित करूं, अपमानित करूं, ताकि ये अपना काम जो है स्थगित करें। और इस तरह से दोस्तों जो अगला वर्ड है समझिएगा, डिमिनिश का मतलब होता है कम होना, और इस तरह से उनके समाज में दोस्तों जो एक पर्सनालिटी बेहतर बना हुआ है वो कम हो सके, ठीक है दोस्तों। मैंने बोला कि वो चाहते थे जो ओपोनेंट है वो चाहे उनके उन्हें डिग्रेड करें यानी कैटेगरी से भर्व, इसका मतलब होता है अपमान करना, और साथ ही डिफर करें यानी उनके कामों को स्थगित कर दे, ताकि उनके लोगों के बीच में उनकी जो इज्जत है, सम्मान है, ऑनर है, वो कम हो सके, ठीक है दोस्तों। और इस तरह से उनकी आत्मा को, उनके सोल को क्या पहुंचे दोस्तों, घाटा पहुंचे। फॉरफिट का मतलब होता है घाटा, FOR FEIT कैटेगरी से दोस्तों आपका ये घाटा होना, लॉस होना जो है दोस्तों एडजेक्टिव माना जाएगा, लॉस हो सके। आगे बढ़ते हैं, ग्रोटेस्क का मतलब होता है अगली, अगली मतलब दोस्तों आप मान सकते हैं ऐसा चीज जो अगली हो, मतलब इट इज ऑपोजिट साइड ऑफ ब्यूटी, सुंदरता के जो है विपरीत हो, यानी दोस्तों एक नेगेटिव सेंस में समझें तो वो चाहते थे लोग भी बीच में उनकी जो है एक ऐसा छवि तैयार हो जाए जो लोग इनसे नफरत हो सके। तो जैसे मैं बताया दोस्तों, लोग उन्हें चाहते थे अपमान करें, उनके काम को स्थगित करें, उनके लोगों के बीच में इज्जत जो है कम कर दे, इससे उनको लॉस हो और इनसे लोगों के बीच में उनका एक अगली चेहरा तैयार हो जाए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों समझिएगा, तब वो लोग जो ओपोनेंट थे उन्होंने दो वर्ड है इसको हम समझेंगे, दोनों की कैटेगरी अलग है, दोनों का अर्थ अलग है, लेकिन मीनिंग जो है लेटर समान है। पहला वर्ड है दोस्तों इसी के साथ एंट्रिंग, INTRIGUE कैटेगरी से नाउन अगर होगा इसका मतलब होता है साजिश यानी षड्यंत्र, और इसी वर्ड का अगर कैटेगरी से दोस्तों भर्व हो जाता है तो इसका मतलब होता है षड्यंत्र करना यानी कि साजिश करना। तो लोग जो ओपोनेंट थे वो क्या किए दोस्तों, उन्हें उनके साजिश रचे और साथ में षड्यंत्र रचे, ये काम यानी कि उनके मान सम्मान को स्थगित कर सके, अपमान कर सके, ठीक है दोस्तों। इस तरह से जो अगला वर्ड है एंटरप्राइजेस, एंटरप्राइजेस एज अ सेंटर देयर समवन या समबडीज वर्क, ऐसा स्थान, ऐसा काम जो लोग वहां पर काम करते थे, यानी एंटरप्राइजेस एक उनका जो कार्य था उस कार्य को आप बोल सकते हो, उनका एक उद्योग था उस उद्योग को
वो रोकने का प्रयास किए। चलिए दोस्तों, ये सभी वर्ड्स जो थे मैंने बताया कि किस तरह से एक महान व्यक्ति को कुछ लोग जो है अपने नेगेटिव व्यू से उनके मान सम्मान को घटाना चाहे। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, इट इज नॉट पॉसिबल। अगर आप सच्चे मन से अपने कामों के प्रति लगनशील हैं तो आप किसी कितने भी लोग आपको पीछे धकेलने का प्रयास करें, सम्मान आपका इज्जत भाव समाज में गिराने का प्रयास करें, बट आपका काम ही आपका पहचान है और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिएगा। फॉर डोंट वरी फॉर दैट। जीवन में दोस्तों बेहतर बनने के लिए हमें जहां तक मानते हैं, आप भी सपोज मानते होंगे कि काम ही बेहतर है और काम ही पहचान है जो आपके मान सम्मान को बीच में लोग बीच में बढ़ाते रहेगा। चलिए दोस्तों, ये कहानी खत्म हुआ, साथ में वोकैब्स भी। एंड आई रिक्वेस्ट यू प्लीज दोस्तों, अगर आप इसके अलावा भी वोकैब्स पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल पे मेरा एक ऑलरेडी जो दोस्तों एक ग्रुप बना हुआ है, लखराजो इंग्लिश एकेडमी एक ग्रुप है, आप वहां जाकर के उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और आप जो है इससे बेहतर अच्छे अच्छे मैंने उसमें वोकैब्स इंक्लूड किया है। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर बीइंग हियर एंड आई होप दिस वीडियो विल बी गोइंग योर माइंड। थैंक यू सो मच।